दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा टर्की का चूजा कैसा होता है। कई भाई लोग मुर्गियों के बच्चे को ही टर्की का बना के बेच देते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो मुर्गियों का बच्चा है। तो उसके लिए मैं आज फिर से वीडियो बनाता हूँ। मैंने इससे पहले कई बार मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, मगर फिर भी कई भाई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। तो ऐसा लोगों के साथ होता है, इसलिए आप लोगों को मैं प्रॉपर वीडियो में समझाते हुए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, दोबारा आप किसी के बहकावे में भी नहीं आएंगे और परेशान भी नहीं होंगे। तो जैसा मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये टर्की का चूजा है और इसमें दो तीन चूजे गिनी फाउल के भी हैं जैसा आप देख रहे हैं, मगर ये सब वाइट कलर हैं। इसमें अलग अलग कलर के भी टर्कियाँ होते हैं, मगर टर्की की सबसे पहले पहचान, जैसे कि आप सुन रहे हैं ये बच्चों की आवाज़ इस तरह की होती है। और ये टर्की के नज़दीक से आप देखो, सर में हल्का सा एक केस जैसा दिखता है, जो कि बड़ा होने में थोड़ा और बड़ा दिखेगा केस। टर्की के कई भाई ये ऐसे सरों के पर निकाल के दे देते हैं और बोलते टर्की है, मगर वो मुर्गी का बच्चा होता है। मुर्गी गलकट मुर्गी आती है मार्केट में बिकने, तो वो मुर्गी का बच्चा लोग बाग टर्की का बोल के बेच देते हैं। तो टर्की और मुर्गी में फ़र्क होता है, एक तो साउंड से आप पहचान सकते हैं कि ये टर्की का है या गिनी का है। और देसी मुर्गी का या कोई भी मुर्गी का, मुर्गी के चूँ चूँ आवाज़ करेगा और ये थोड़ा सीटी बजाते हुए बात करता है, यानी स्टैमी की आवाज़ है इसकी। आप सुन रहे होंगे जैसे नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये तुरंत के बच्चे हैं, एक एक दो दो दिन के, इसलिए थोड़ा सा शांत और आप लोगों को दिखाने में। तो आप लोगों को सिर्फ यही बताना ज़रूरी था कि टर्की का बच्चा होता कैसा है। कई भाई लोग, आज भी मेरे पास एक फ़ोन आया था कि भाई आप पहचान के बताइए वो टर्की का बच्चा है या नहीं। उन्हें मैं बताया कि टकला बच्चा तो नहीं लिए हैं 20-20 10-10 रुपए वाला, बोलते हाँ वही बच्चा लिए हैं। तो मैं उन्हें वैसे ही बता दिया कि भाई वो मुर्गी का बच्चा है। टर्की का बच्चा 10-10 20-20 रुपये में मिलने लगा तो बहुत बड़ी बात है, महंगी चीज़ है ये, इसलिए ये इतनी सस्ती नहीं मिलती है। बाकी आप लोग ये टर्कियों के बच्चों को आसानी से पहचान सकते हैं कि इनके सारे शरीर में पर होते हैं और ऐसे आम एरियों में ऐसे बिकने नहीं जाते हैं ये, तो इसलिए लोग बाग थोड़ा ध्यान दीजिए। और कई भाई लोग बेवकूफ़ बनाने वालों से थोड़ा बच के रहिए। हमारा वीडियो YouTube में इससे पहले भी डाला हुआ है, अभी भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं और लोगों से बच सकते हैं इस टाइम में कि लोग बाग बेवकूफ़ बना देते हैं जो। तो टर्की के बच्चे की यही पहचान है, उसके पूरे पर होते हैं और उसमें सर के ऊपर में एक हल्का सा दाना जैसे केस होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक छोटा सा दाना दिख रहा है, वो थोड़ा सा केस है। तो धीरे धीरे 2-4-10 दिन होगा तो वो केस थोड़ा सा और उठा हुआ दिखेगा। ये अभी तुरंत का बच्चा है, इसलिए वो केस उनके पर की तरह नीचे दबा हुआ दिख रहा है। बाकी इनका और भी वीडियो मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। ये मेरे घर में ही हैं और मैं इनका वीडियो आप लोगों को और भी दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है और पसंद आए हैं हमारा चैनल में आके वीडियो देखें आपने, तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी ज़रूर करें और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू।